देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना की मार विश्व प्रसिद्ध वाराणसी की गंगा आरती पर भी पड़ी है। अब भक्त दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती में नहीं शामिल हो सकेंगे। प्रशासन द्वारा शाम 4 बजे के बाद घाटों पर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बाद बनारस घाट के आरती स्थल पर सन्नाटा पसर गया। हालांकि श्रद्धालुओं को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा सेवा निधि ने उनके लिए सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। ऐसे में श्रद्धालु घर बैठे आरती देख सकेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक पार्क सहित गंगा घाट पर आवागमन पर रोक रहेगी। तो वहीं ग्रामीण सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने कहा कि दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक महाआरती कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सांकेतिक होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि पर्यटन स्थल जो कि हैं, जैसे कि घाट, जिम और भी कई चीज़ें, 4 बजे से प्रतिबंधित रहेंगी आम जनमानस के लिए। दर्शनार्थियों के घाट पर आवागमन के लिए रोक लगा दी गई है 4 बजे के बाद से। और इससे पूर्व में भी जब लॉकडाउन लगा था, तब भी माँ गंगा की जो 7 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक आरती होती थी, वो 1 ब्राह्मण द्वारा की जाती थी सांकेतिक रूप से, उसी प्रकार से किया जा रहा है। लगभग 4 महीने बाद आज फिर से जो है वो सांकेतिक रूप से आरती शुरू की गई है। बीच में जिस समय कोरोना का प्रकोप कम था, उस समय फिर अपने मूल रूप में आरती आ गई थी, फिर उसी तरीके से 7 ब्राह्मणों द्वारा हो रही थी और सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई थी फिर से। लेकिन और माँ गंगा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रही हैं, बार बार इस तरीके से लॉकडाउन लग रहा है, तो अब लॉकडाउन कोरोना से अब हम सभी देशवासियों को सबको निजात मिले, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। आज से सांकेतिक रूप से आरती हो रही है, आज कितने समय तक होगी? अब देखिए अगला आदेश कब तक आता है, जिस तरीके की सूचना आएगी उस तरीके से मीडिया के माध्यम से दर्शनार्थियों को बता भी दिया जाएगा। और जो भी दर्शनार्थीगण हैं उनसे हम अपील भी करते हैं कि आप भगवती माँ गंगा की लाइव आरती का दर्शन आप गंगा सेवा निधि के सोशल साइट्स पे जाकर के कर सकते हैं। और तब तक अगले आदेश, अगले सूचना तक के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि घाट पे प्रतिबंध जो लगाया गया है, नियमों का पालन करें आप सभी लोग। वाराणसी में गंगा आरती का स्वरूप भी बदला होगा। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष ने बताया कि 7 ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली गंगा आरती सांकेतिक रूप से अब केवल 1 ब्राह्मण द्वारा ही की जाएगी। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार शीतला घाट पर बम ब्लास्ट के बाद सांकेतिक आरती की गई थी। इसके बाद कोरोना के चलते गंगा कई महीने तक प्रभावित रही थी, जिसके चलते सांकेतिक आरती की गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।